महाकुंभ का महास्नान। जी हाँ, हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस अवसर पर हर की पैड़ी पर अखाड़ों के संत स्नान के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु भी स्नान करने के लिए पहुंचे। अभी तक करीब 21,07,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने स्नान किया और इस बीच शाही स्नान में देरी को लेकर श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन ने नाराजगी जाहिर करते हुए शाही यात्रा को बीच में ही रोक दिया और धरना दिया, जिसके बाद मेला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अखाड़े की नाराजगी और कोरोना के बीच आयोजित हुए कुंभ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, हर की पैड़ी पर कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बीजेपी सरकार हर व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है। वहीं बीजेपी ने सफाई देते हुए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। सरकार ने व्यवस्थाएं की ही नहीं है। कुंभ में जितनी लापरवाही त्रिवेंद्र और तीरथ सरकार ने दर्शाई है, बहुत शर्मनाक है। पूरे देश और दुनिया का हिंदू धर्म का ठेका और टेंडर जो है वो बीजेपी के नाम खुला हुआ है, और हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकुंभ, हरिद्वार का महाकुंभ तो उसका अलग महात्म्य है, और उस कुंभ में जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, चाहे कोविड प्रोटोकॉल की हो, चाहे टेस्टिंग की हो, चाहे रैपिड टेस्टिंग की हो, एंटीजन टेस्ट की हो, अस्पतालों की हो, चाहे वहाँ पर तमाम जो टेंट कॉलोनीज बनती हैं, जो वहाँ पर सफाई की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था होती है, सब कुछ ध्वस्त है। और इसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने सोचा था कोरोना में कुंभ हो ही नहीं पाएगा। अरे भैया, कुंभ जो है वो आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और इसमें कोई निमंत्रण दे करके नहीं आता, लोग स्वयं आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुंभ में लापरवाही भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बरती है, वो साफ दिख रही है। मैं समझता हूं इसके लिए पूरी तरह से तीरथ सरकार और मोदी सरकार जिम्मेदार है। देखिए, भारत एक सनातन धर्मावलंबी देश है, और कुंभ 12 साल बाद आता है, और कुंभ भी जिसकी आयु 70 वर्ष, जो वरिष्ठ नागरिक हो गया होता है, उसको लगता है कि एक बार अगर मैं कुंभ नहा जाऊं तो हिंदू धर्म के अनुसार उसको बड़ा सुख चैन, और मुझे लगता है कि वो पुण्य का भागीदार बनता है। जैसी मान्यता है कि हरिद्वार के अंदर जो है तो अमृत का घड़ा निकला था, इसलिए यह आस्था का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा और स्वास्थ्य भी है, तो दोनों का समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभु भी इसमें कृपा करेंगे और कोविड ज़्यादा नहीं फैलेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। और जिन लोगों को, जो लोग इसके उसमें आ रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है तो उनको रखा जा रहा है, और उसके बाद उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो साधु संतों में खास नाराजगी दिखाई दी है। श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के साधु संत नाराज हो गए और इंतजामातों से नाखुश तमाम साधु संतों ने अपनी शोभा यात्रा बीच में ही रोक दी, जिसके बाद मेरा अधिकारी में हड़कंप मच गया और मेरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और साधु संतों को मनाने की कोशिश की। नाराज साधु संतों ने कहा, गुरु चेले का कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। आशीर्वाद जह लेने के लिए तमाम श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं, वहीं साधु संत ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। खासी नाराजगी उदासीन अखाड़े की तरफ से देखी गई है, जहां स्नान के दौरान देरी अब उन्हें खासा नाराज किया, जिसके बाद वो अपनी शोभा यात्रा को बीच में ही रोकने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस ने वहीं व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। जब से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तब से ही कांग्रेस